ईश्वर जगत को एत प्रेम कले जे से निजर एकमात्र पुत्र को दान कले जेपरी जे कहीं ताहांगटार विश्वास करे से अनंत जीवन लाभ करिबो। जय जीशु। मोर प्रिय भाई और भौनी माने समस्त केमती अच्छंती भल्लरे रहंतु। आपण माने प्रथम थर पाए आमर ए यूट्यूब चैनल नवजीवन वाणी देखुचंती कि ले सब्सक्राइब करंदु बेल आइकन प्रेस करंदु कंडक्टर जतेन अच्छंती सेमानक संगे शेयर करंदु। सर्वप्रथमे समस्तंकु पुनरुत्थान पर्वर शुभेच्छा जनाए। जय जीशु। शुणा लोकों समाचार अध्याय 24 पद संख्या 5। नारी माने भयर मुखपति रोगिले एणु से व्यक्तिदय से कहिले तुम्हें माने कहीं जीवित मृत मान मध्य खुजुच से एटारे नहांती से उत्तीद होती। हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय भाई और भौनी माने जीशु आंभ मान जीवन बोलीदेले आ से जीशु आंभ मान उत्तीद होती। हालेलुया। हेले जीशुंकर पुनरुत्थान आ मो जीवन संगे जो कि संपर्क नाही पुनरुत्थित जीशुंकर से दर्शन मुझे एगुड़िक सब मो पाए मो जीवन जीशंकर पुनरुत्थान कौन सी प्रभाव मो जीवन रड़बो नापाय जीशंकर पुनरुत्थान पर जीशु दर्शन दे जड़े व्यक्ति जीवनी को आम जीवा दरकार। पुनर्थित जीशंकर दर्शन मोर भाई भौनी माने एहा ही आम जीवन को आग को नेबे अन्य कौन सी विषय नाही। जीवा जोहन सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 14। एहा कहिबा परे से बुली पड़ी जीशंकु सेटारे टिया होइतिबा देखिले के देखिले मरिया मग्दलना किंतु से ताकु जीशु बोली चिन्ह पारले नाही। जीशु कहिले नारी तुम्हें काईकि कांदुच तुम्हें कहाकु कुजुच। ताकु बगीचार माली भावी से ताकु कहिले महाशय आपण जदि ताकु नहीं जाइछंदी मते कहंतु ताकु केउ स्थान रखिछंदी आउ मु ताकु नहीं जीवी। जीशु कहिले मरिया एतरे से भूली पड़ी ताकू ही प्रभाषा रे कहिले रब्बोनी अर्थात गुरु। जय जीशु। मोर प्रिय भाई और भौनी माने पुनर्थित जीशु दर्शन देइतिबा जने व्यक्ति आओ सुसमाचार अनुसार पुनर्थित जीशु प्रथम उत्तर पाए एही नारी को आका मरिया मग्दलना को आका दर्शन दे आम जीवन आंभ मान को आग को जीवा पाए आंभ मान को भी दरकार पुनर्थित जीशंकर दर्शन। यह छड़ा आम जीवन आओ आग को जीवा पाए आम जीवन विशेष किसी न किंतु यहाँ हठात है ना मोर भाई और भौनी माने यही व्यक्ति मरिया मग्दलना बारंबार आम भावु मु जड़े दुर्बल बलहीन पापी मनुष्य पुनर्थित जीशु मत दर्शन देवे कि शुणा लोकन सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1। जीशु नगर नगरे और ग्रामे ग्रामे बुली ईश्वर राज्यर सुसमाचार घोषणा करने को लगिले। द्वादश शिष्य माने तांग संगरे थिले आओ सेमानंग संगे केतक नारी माने मध्य थिले। मग्दलना नाम रे परिचित मरिया जहांगटार सातटी भूतात्मा विताड़न करा जाई थिला सेंती आओ केतजन एमाने कौन कले
जीए निज संबल जीश तथा शिष्य मानर परिचर्ज कर सदाप्रभु देखा सबकि मरिया मग्दलना सुसमाचार आम शुणिलु मरिया मग्दलना नाम परिचित मरिया जहांगटार सतुटी भूतात्मा बिताटन कर सब प्रभु प्रचार कार्य पाए से उत्सर्ग कले हेले पुनर्थित जीशंकर दर्शन जदि आम चाहू प्रभु आमको दे सब किसी ना कि माने आम जीवन प्रथम स्थान जीशु को देवा दरकार मोर भाई भौणी माने ही मात्र सुसमाचार अध्याय छ पद संज्ञा तेतीस आम जानु तुम्हें माने प्रथम ईश्वर राज्य आव तार धार्मिकता अन्वेषण करो तुम्हें माने प्रथम ईश्वर राज्य तार धार्मिकता अन्वेषण करो अन्य समस्त मध्य तुमको दिया जीवो कौन है अन्य सब मत्यु छ एक एणु कौन खाइबा कौन पीवा क्यों पिंधिबा भली चिंतित हुओ नाही जीवन प्रथम स्थान जीशु को देवाक जदि आम प्रस्तुत निश्चय जीशु पुनर्थित जीशु आंभ मान को दर्शन देवे आवरी मरिया मग्दलना आउ कौन कले जीवा जहन सुसमाचार अध्याय उन्नीस पद संज्ञा पचीस सही समय जीशु क्रूश निकटरे तांक माता आउ माता पत्नी क्लयफंग स्त्री मरिया एवं मरिया मग्दलना ठिया होइतिले जीशु क्रूश तले जीशु मरवा सही समय रे मरिया मग्दलना से ठिया होइतिले जीशु टार किछि पाइबा पाई कि ना पाइबा पाई नुहे से जीशु को एते प्रेम कले जे तेणु से जीशंग संगे ठिया हेले देखु मोर भाई भौणी माने आमर परिवार रे आमर समाज रे आमर मंडली रे जेते बले लोक मानकर बैटरी डाउन हेबो सेमान गटारा अमुक आउ किछि मिलिबो नाही पर आमे सेमान को पाई देवा को पड़िबो सब दिगरे सेमान को संगे जदि ठिया हेबा को जदि आमे प्रस्तुत पुनर्थित जीशु आंभ मान को मध्य दर्शन देबे आउ जहन सुसमाचार अध्याय कोड़े पद संज्ञा एक सप्ताह प्रथम दिवस प्रत्युष जितेबले अंधकार थिला मरिया मग्दलना समाधि स्थान को आसिले एवं देखिले जे समाधि पत्थरटी गुंचाई दिया जाए सप्ताह प्रथम दिवस प्रत्युष जितेबले अंधकार थिला जो मान को सदाप्रभु डाकुले प्रेरित मान को सही साहसी आ शक्तिशाली पुरुष मान घर भीतर लुचेकि रहा बेले यही नारी बाहर जीशु को खोजा माने एहा जीशु को से कत प्रेम कर जीशु टारे तांगर विश्वास तार गोटे प्रकार साक्ष्य आ जहन कोड़े दुई आउ से देखले जे समाधि पत्र गुंचाई दि जाए से दौड़ जाए सीमन पित्र आ जीशु को जहाँ को जीशु प्रेम करते से अन्य शिशु निकट को आसी कहले से प्रभु समाधि नहीं जाने के स्थान रखुं आम जानुना जीशु तांग जीवन नष्ट बेले से जीशु को खोजा पाए बाहर मग्दलना मरिया देखो मोर भाई भौणी माने आम प्रत्येक जन जीवन रे पापमय जीवन द्वारा अगर कौन से समय रे जीशु संगे मोर संपर्क से भल ना जीशु प्रभाव मो उपरे पड़ूना बोली आम देखा मात्रे आम जीवार अच्छी जीशु को आंभे माने खोजा दरकार तापर कौन है आओ वाक्य जहन कोड़े दस एगापर शिष्य मैंने निज ग्रह को प्रत्यावर्तन कले पितर जहन आसिले
खाली कबर देखिले फेरी गले किंतु मरिया को समझे जाय पारले कि ना जहन कुड़िए एगार किंतु मरिया समाधि बाहर ठिया होई कि कांदिबा कुलाखिले मोर प्रिय भाई भौणी माने एटा गोटे प्रकार रो जित मु जीशंकु देखिबा पर्यंत एट्रु मु जीपी नाही अमर आध्यात्मिक जीवन रे जीशंकर दर्शन पाए मोर भाई भौणी माने आम मान केमती कार गोटिए जित आम जीवन रे दरकार सुसमाचार गोटे घटना होती जेवाड़े हा बहुत स्पष्ट जगन सुसमाचार अध्याय कोड़े पद संज्ञा चौबीस आम एम पढ़ु जीशु आउ थॉमस जीशु जो बड़े आसने द्वादश मध्य अन्यतम थॉमस से सहित नथिले तेणु अन्य शिशु मैंने कहले आंभे मैंने प्रभु को देखिअु किंतु से कहले जेपर्यंत मुहा हस्त कंठार दाह देखिना एवं से कंडा दाह मोर अंगुली देना ताहा पार्श्वर मोर हस्त रोक ना से पर्यंत विश्वास करना मोर भाई भौणी माने आम जीवन रे जीशंकर दर्शन पाए एमती कार गोटे जिद आम जीवन रे दरकार सतमस कहते मत प्रेम करेम करीशु आसिक मत न देखिक गले विश्वास करी ना मुझे देखा पर्यंत परवर्त आम देखा पाइबू जीशु निजे आसिले जीशु तमस को दर्शन देले मरिया मग्दलना समाधि पाखे रही किंतु मरिया समाधि बाहर ठिया हो कांदिबा को लागिले एमतिकार गोटे जिद आम जीवन रे मोर प्रिय भाई भौणी माने आम मान दरकार जीशंकर दर्शन पाए प्रार्थन आराधन वाक्य बुझे ध्यान करिवारे आम प्रत्येक जन को एमतिकार गोटे जिद दरकार जदि आम पुनर्थित जीशंकर दर्शन आम पाई पर जीशु एमतिकार निजर दर्शन पा जिद धरीवा से ही नारी को मरिया मग्दलन को तार प्रतिफल रिवार्ड देवाटा आमको देखा पाइबू जहन कोड़े वाक्य चौदर यह कहवापर से बुले पड़ी मरिया मग्दलन बुले पड़ी जीशु को सेठार ठिया होता देखिले किंतु से जीशु बोली चिन्ह पारे ना जीशु कहले नारी तुम्हें कहीं कांदुछ तुम्हें कहाँ को कुचुच ताहा को बगिचार मालिक भाव से कहले महाशय आपड़ जदि नहीं जाइंट मत कहतु ताकू स्थान रखी आईजी जीशु कहले मरिया एथेरे से भूली पड़ी ताकु हिब्रू भाषा कहले रबणी अर्थात गुरु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखो मोर भाई भौणी माने पुनर्थ जीशु गोटे प्रकार प्रथम थर पाई दर्शन देप्रिय माँ को नुहे प्रेरित मान को नुहे यही पापिनी स्त्री को कहीं से सत्यक प्रेम करते दर्शन पाई से गोटे प्रकार जिद धरले हेले आंभ मानक दरकार मोर भाई भौणी माने जदि आम चाहूचु जीशंकर से ही दर्शन पाए जीवा प्रकाशन तीन कोड़े देख मु द्वार देश में दंडायमान हो द्वार को आघात करदी कहीं मोर स्वर श्रवण कर द्वार उन्मुक्त कै तेब मुतर को प्रवेश करी आह भोजन बसबी एवं से मोसह भोजन बस देख मु द्वार देश में दंडायमय हो द्वार को आघात करी कहीं मोर स्वर श्रवण कर द्वार उन्मुक्त कै तेब मुतर को प्रवेश करी जीशु भितर को आदि आमर इच्छा अच्छी पुनर्थित जीशंकर दर्शन पदि आमर आग्रह अच्छी निश्चय पुनर्थित जीशु आपण मान मत दर्शन देवे इतिकर कहानी सोरी नहीं जीशु यही नारी को
ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମିଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋହନ 20:17 ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ ମୋତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଭ୍ରାତୃମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହ ମୁଁ ମୋର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ମୋର ଈଶ୍ୱର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରିଅଛି। ମୋର ଭ୍ରାତୃମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହ। କ'ଣ ସେ କ'ଣ କହିବେ? ମାର୍କ 16:15 ତୁମମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଇ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ମୋର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ଯୀଶୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ତାଲିମ ଦେଲେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏହି ନାରୀଙ୍କୁ, ମରିୟା ମଗଦଲାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଏହାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ତ୍ତିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ ପୁନର୍ତ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତିକାର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମିଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ବହନ କରିବା ଦରକାର, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯିବା ପ୍ରେରିତ 4:18 ଆମେ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପିତ୍ର ଓ ଜଗନକୁ ଡାକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ନ କହିବାକୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେମାନେ କିଏ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଫାରିସିମାନ, ସେ ସମୟର ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ବା ସରକାର। କିନ୍ତୁ ପିତ୍ର ଓ ଜଗନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ନେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଚିତ କି ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଶୁଣୁଛୁ ତାହା ନ କହି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦରକାର। ଏମିତି ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ, ସେମିତିକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଦରକାର। ତାହା ପୁନର୍ତ୍ତିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତିକାର ଗୋଟିଏ ମିଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ସେହି ପୁନର୍ତ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର କାହାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କଲାବେଳେ ଏହି ନାରୀ ମରିୟା ମଗଦଲିନା, ସର୍ବସାଧାରଣ ଜଣେ ନାରୀ, ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାକୁ ପୁନର୍ତ୍ତ ଯୀଶୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ ବଟ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନାରୀକୁ ଆମେ ଅନୁଗମନ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଗେଇବା। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।